भाई लोगों, 2018 में तेलुगु सिनेमा की यानी साउथ सिनेमा की ऐसी किस्मत चमकी थी जो शायद कभी भी किसी ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, जब बाहुबली और बाहुबली 2 मूवी आई थी और वही चीज मतलब हिस्ट्री फिर से रिपीट होते नजर आ रही है, क्योंकि कल की बस यही गूंज रहा है इस साल 2024 में। और इस मूवी को आने के लिए अभी पूरे पूरे 2 महीने बाकी हैं और 2 महीने पहले ही जो हाइप मेंटेन करके चल रही है मूवी, छोटे से पोस्टर के बाद ही एक नहीं दो दो दिन तक ये मूवी ट्रेंड कर रही है, उसका टाइटल ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पे आप जहां देखो वही कल्की देखने को मिल रहा है, यूट्यूब खोल के देख लो तो भाई कल्की देखने को मिल रहा है। तो ये मूवी जो बिग बजट का अनाउंसमेंट भी कर रही है, देन उसके बाद बहुत सारा प्रॉमिसेस भी दे रही है अपने फैंस को कि भाई जब हम आएंगे आग फाड़ के जाएंगे, क्योंकि प्रभास के लिए भाई हर कोई वेट करता है। जब से बाहुबली मूवी आई है उसके बाद प्रभास की जो इमेज बनी है और उस इमेज को वो बरकरार बनाने में कई बार सफल भी रहे हैं और कई बार नासफल भी रहे हैं। लाइक आदि पुरुष की बात करें तो भाई साहब वहाँ से बहुत ज़्यादा हेट एंड क्रिटिक्स भी मिला था, लेकिन जो ट्रू डाई हार्ट फैन थे उन्होंने तब भी सपोर्ट किया था। सलार के टाइम पर भी बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन अगर डंकी से क्लैश नहीं होता तो ये जो हाइप इस टाइम पर, जो नाम इस टाइम पर कमाने वाले हैं वो शायद सलार में भी कमा सकते थे, लेकिन जिस हिसाब से उसमें भी कमाई करी, दमदार कमाई करी भाई। प्रमोशनल स्ट्रेटजी जो हिसाब की चल रही है दमदार चल रही है। फैंस शायद मेकर्स उतना ज़्यादा बूस्टर नहीं दे रहे हैं, मेकर्स उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं मार रहे हैं, लेकिन जो फैंस हैं, जो इसके हैंडल्स हैं, जो सिर्फ प्रभास को लेके टारगेट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। भाई अकॉर्डिंग टू इंस्टा एस्ट्रो कल्की का, मतलब विष्णु जी का जो 10वां अवतार है कल्कि, उनका गांव प्रेडिक्ट करा जा रहा है कि संभाला गांव में कुसमा और मदन के परिवार में इनका जन्म होगा। कल्कि का अवतार, छोटी उम्र में ही अधर्म पुराण और शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी इनको, फिर वह भगवान शिव के लिए तपस्या करेंगे या उनके सामने तपस्या करेंगे, जिसकी भक्ति को देखकर, मतलब कल्कि की भक्ति को देखकर भगवान शिव बहुत ज़्यादा इनसे खुश हो जाएंगे। देन उसके बाद वो सफ़ेद घोड़ा उन्हें प्रदान करेंगे और एक ज्वलनशील तलवार प्रदान करेंगे, यानी आग से धधकती वो तलवार जिनसे वो सारी बुराइयों का नाश करेंगे, कलयुग का नाश करेंगे, और कलयुग का नाश करने के बाद सतयुग का शुरू हो जाएगा, मतलब एक और युग सतयुग शुरू हो जाएगा। तो ये है कल्कि की कहानी और इस पे मूवी आनी है अपने प्रभास भाई साहब की, जो 2 महीने बाद हमें देखने को मिलेगी, जो फुल एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस है। वीएफएक्स का बहुत अच्छा काम चल रहा है जिससे रिलेटेड अभी से पोस्टर आ रहे हैं, और भी जो फैनमेड पोस्टर हैं या फिर कुछ लीकआउट पोस्टर हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। तो ऐसा बड़ी बात, मुद्दे की बात ये है कि ठीक है, पोस्टर ये इन्होंने अनाउंस कर दिया है क्योंकि 8 मार्च को शिवरात्रि थी और यहाँ पर बहुत प्रॉमिसेस करे जा रहे थे कि बहुत बड़ी अपडेट मिलेगी, और बहुत बड़ी अपडेट से सीधा संबंध ये बन रहा था कि भाई साहब टीजर ही हो सकता है, लेकिन पोस्टर में ये लोग टरका देंगे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी पोस्टर दमदार था। तो भाई अब एक्चुअल बात ये है कि भाई टीजर कब आ सकता है। 15 मार्च जो अभी तक प्रिडिक्ट करा जा रहा था वो और पोस्टपोन होते जा रही है। 18 से 20 मार्च के बाद कभी भी टीजर ड्रॉप आउट हो जाएगा इसी महीने के लास्ट में, और 25th of March से पहले ही होगा। देन क्योंकि ये इसलिए भी है कि April 1st week के एंड में या फिर April 2nd week के स्टार्टिंग में ही हमें ट्रेलर फर्स्ट देखने को मिल जाएगा या फाइनल ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। वैसे 1 महीने पहले अगर ये ट्रेलर प्लान कर रहे हैं तो नो डाउट इसका फाइनल ट्रेलर भी आएगा, और फाइनल ट्रेलर कब आ सकता है भाई साहब, अप्रैल लास्ट में 28 या फिर 29 अप्रैल के आसपास हमें फाइनल ट्रेलर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 9th of May को मूवी रिलीज हो जाएगी जिसके लिए बहुत वेट है। बाकी सॉन्ग्स की शूटिंग भी फिनिश हो चुकी है, प्रभास के बहुत से पोस्टर रोज निकल कर आ रहे हैं, जो इटली टूर था वो लोग फाइनल मतलब फिनिश कर चुके हैं, तो हमें टीजर के बाद भाई सॉन्ग्स भी देखने को मिल जाएगा। और इसी बीच जो मार्च होने वाला है भाई वो कल्कि का होने वाला है, देन उसके बाद जो अप्रैल अगला महीना होने वाला है वो भी कल्कि का होने वाला है, और मई तो कल्कि का होने ही होने वाला है। तो हर जगह बस कल्कि ऐसा लग रहा है अभी कलयुग का नाश हो जाएगा। आपको क्या लगता है बाकी ये मूवी कितना कमाई कर सकती है? 2000 करोड़ भाई मैं मान के चल रहा हूँ, ईजिली 2000 करोड़ आएगा। बाहुबली 2 का रिकॉर्ड यहाँ से डेफिनेटली टूटने वाला है। टीजर आ जाए बस एक बार और यहाँ से हमें 100% सियोरिटी ये मिल जाए कि भाई हॉलीवुड लेवल का मसाला देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, और भी क्या बातें इसमें रहेंगी, क्योंकि सेम बातें आदि पुरुष के टाइम पर भी करी जा रही थी, 600 करोड़ की मूवी आने वाली है, ये वो फलाना ढिमकाना, और क्या हमें पकड़ाया गया, कार्टून एनिमेशन के नाम पर सस्ता माल। बाकी बाय, मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।